हाय दोस्तों, मैं मानसु पांडे आपके सामने फिर क्लास टेंथ मैथ्स का वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि एलसीएम और एससीएफ बेस्ड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, तो हमने इस वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन लेके आए हैं एलसीएम और एससीएफ बेस्ड पे। तो हम देखेंगे कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है टू टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। दो टैंक हैं, एक में 405 लीटर और दूसरे 504 लीटर और दूसरे में 735 लीटर दूध आता है। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एक हमको दूसरे कंटेनर, कोई एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो कि दोनों टैंक में रखे मिल्क को मेजर कर सके, वो भी एग्जैक्ट टाइम में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन समझते हैं। मेरे पास दो टैंक हैं, इन दोनों टैंक में दूध है, मिल्क है, एक में 504 है, एक में 735 लीटर दूध है। मुझे तीसरा ऐसा कोई कंटेनर चाहिए जो कि इन दोनों मिल्क को मेजर कर दे और वो भी एग्जैक्ट टाइम में दोनों मिल्क मेजर हो जाए कि कितना कितनी बार में मेजर कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम इसे पांच बार निकालें तो पांच बार में पूरा दूध खत्म हो जाना चाहिए दोनों में से। ठीक है ना, तो कितने लीटर का यह रहेगा तो ये काम हो सकता है। तो यहाँ चूंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो मैक्सिमम बोला है ना, तो मैक्सिमम जहाँ भी रहता है क्वेश्चन में तो हम वहाँ पर हम एससीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जब मैक्सिमम आ जाए तो हम अधिकतर टाइम क्या निकालते हैं, हम वहाँ पे एससीएफ ही निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इसका एससीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे रिसॉल्विंग, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट, इसको लिख सकते हैं कन्वर्ट इनटू प्राइम फैक्टर। किसको? 2 504 एंड 735 दोनों को हम क्या किए हैं, कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टर में। यदि हम 504 का प्राइम फैक्टर निकालें, यदि हम 504 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 प्राइम फैक्टर्स चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, या तो एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं या फिर जैसे आप तरीका आपका होना चाहिए। दूसरा कि मेरे पास क्या है 735, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसका हम लिख देते हैं कि 53 ठीक है × 49 यानी 7 × 7 ये दोनों का प्राइम फैक्टर हो गया। तो प्राइम फैक्टर हो गया तो हम इसके एससीएफ निकाल लेंगे। एससीएफ निकालेंगे, एससीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी 3 × यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो ये इसका एससीएफ हो गया। तो बराबर क्या आ जाएगा 21, यानी जो मेरा थर्ड टैंक होगा वो कितने लीटर का होगा, 21 लीटर का होगा। तो 21 लीटर का हम लिख सकते हैं यहाँ पे। कैपेसिटी ऑफ रिक्वायर्ड कंटेनर कितना, 21 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 21 लीटर का हमको चाहिए। तीसरा कंटेनर कितना होना चाहिए, 21 लीटर का होगा, तो हम अच्छे तरीके से एग्जैक्ट टाइम में मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन ऐसा जहां भी मैक्सिमम रखा होगा हम वहां पे उसका एससीएफ निकाल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट
अब यहाँ भी मैक्सिमम नंबर था स्टूडेंट आ गया, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना हमको एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए चाहिए आप न्यूक्लियर डिवीजन लेना का यूज कर लें या फिर चाहिए इसे निकाल लें। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमोंग हुम 1001 पेन्स, जिनके पास क्या है 1001 पेन और 910 पेंसिल्स हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब मेरे पास 1001 पेन्स है और 910 पेंसिल्स हैं, हमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है जो इनके पास बराबर बराबर पेन और पेंसिल जाए। तो क्वेश्चन फिर बोला है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, जब मैक्सिमम है तो फिर यहाँ पर हम एलसीएफ निकालने की ही कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपके बुक में दिए होंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको हम एलसीएफ निकालेंगे, एलसीएफ ऑफ किसका 910 एंड ये लिख देते हैं 1001। इसका एलसीएफ कैसे, या तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर लें या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ यूज करेंगे 910 टू 1001, हम ऐसे यूज कर लेते हैं। कितने टाइम में जाएगा, टू टाइम में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब कितने टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम में जाएगा, तो 5 8 5 9 45 और 5 1 5 91 आया। अब कितने टाइम जाएगा, तो 13 टाइम जाएगा, हाँ 13 टाइम, हाँ तो 7 टाइम, 7 13 का ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं 910 को 2 × 5 × 7 × 30, फिर मेरे पास क्या है 1001। इसको किससे सेपरेट करेंगे, इसको 2 3 से जाएगा नहीं, 7 से ले जाते हैं। तो 7 से देखिए 7 से जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 7 7 × 7 बचा 3 30, बचो 28, बचा 2 7 3 21, ठीक है। ये क्या कितना टाइम, 7 टाइम। अब देखिए फिर कितने टाइम में आ गया, ये फिर 7 टाइम में नहीं जाएगा, 13 टाइम में जाएगा, 13 टाइम में 13 × 13 1 आया, 13 × 13 फिर 11 टाइम में, 11 × 11। ये हम इसको ऐसे सबमिट कर सकते हैं। ये एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम ही आया, मे भी सही होगा, मिला लीजिएगा 7 × 11 × 13। अब इसका क्या निकाला हमको, इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसका, 7 दोनों में कॉमन है और फिर 13 कॉमन है, कितना हो गया 91। तो मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया इसका 91। आप एचसीएफ या तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल सकते हैं, या तो डिवीजन मेथड से, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं आपको ऐसे ही निकालना है। अब क्या है कि 91 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे Hence 91 स्टूडेंट, क्या करने के लिए 91 स्टूडेंट रिसीव सेम नंबर्स ऑफ पेन
सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो यहां पे जैसे इस क्वेश्चन को मैच लगा लेंगे, एलसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएफ के बाद जो आएगा एलसीएफ, क्योंकि मैक्सिमम पूछा हुआ है तो मैक्सिमम हम एलसीएफ निकालते हैं, एलसीएफ में इसका हम आंसर लिख लेंगे। मे बी ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम लगाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस होगा। हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, आप अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देखिए, आगे थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन और दूसरा है एक्स प्लस वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमको पता है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं, कॉमन वाला पॉइंट यह है एक्स प्लस वन, जो नहीं कॉमन उसको लिख देंगे एक्स माइनस वन, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब एलसीएफ निकालना होगा, इसका एलसीएफ बोला हुआ निकालने के लिए, तो एलसीएफ जो कॉमन होता है वही निकालते हैं हम। इस तरीके से क्वेश्चन को इसका हम एलसीएफ निकाल सकते हैं, में भी ये भी क्वेश्चन सोल्व में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको वीडियो को स्टॉप करके खुद लगाइएगा, तब चेक कीजिएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है। मैं इतनी क्वेश्चन आपको दिया, आपको मेरे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला नंबर है मेरे पास फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर और दूसरा नंबर है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 50। ये नंबर है, मैं फोर कर लेता हूं। इन दोनों का आपका एलसीएम निकालना है और एलसीएफ निकालना है, सॉरी यहां मैं टू ही कर देता हूं। इन दोनों का आपका एलसीएम निकालना है और एलसीएफ निकालना है, तो वीडियो को स्टॉप करें और खुद सॉल्व करें और देखें क्या इसका एलसीएम एलसीएफ आ रहा है। आइए मैं लगाता हूं, दोनों में आपका क्या कॉमन है, यहाँ पे फोर कॉमन है तो फोर बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको मैं फिर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टू इंटू टू इंटू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। इसको निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, टू कॉमन कर लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैं लिख दूंगा क्या 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, इसको आगे लिखें तो 2 को 2 ही रहेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आ गया, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 5। यदि इसका हम एलसीएफ निकालें, एलसीएफ तो एलसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन है ये, तो एलसीएफ होगा सिर्फ 2 और कुछ नहीं कॉमन। लेकिन जब एलसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये दोनों मिलकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 यानी 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम, ये इसका एलसीएम। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क के रूप में दे दूंगा इस वीडियो में, फिर आप सॉल्व कीजिएगा उसको। आगे आते हैं, मेरे पास क्वेश्चंस हैं
फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहां एंड लगाएंगे, एंड 13 नंबर्स इज इतना एंड 13 एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दिया है, एलसीएम कितना दिया है 273, एचसीएफ दिया है 13। बोला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड कीजिएगा, तो हमको पता है प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम एचसीएफ का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर, ये फार्मूला होता है। तो हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कितना नंबर का, दो नंबर, इक्वल टू 273 इंटू 30, यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 9 करो 2 8 3 7 2 9 4 1 ये, यानी 3 5 4 9, ये आपका आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग लगाइएगा, और वीडियो को यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ आपके होमवर्क के तौर पे, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बने हुए कुछ क्वेश्चंस को और देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। तब उसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी बेस्ड बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आनंद लें।